गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम एसएससी के डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 22 करेंगे, जिसमें अगेन हम 30 क्वेश्चंस करने वाले हैं स्पॉट द एरर के ऊपर। और इसके पहले हम 21 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखा है तो हमारे प्लेलिस्ट में वो मिल जाएगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं, या फिर हमारे डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन, लेट्स रीड द फर्स्ट सेंटेंस। Though she was able to finish the walk on time, she could not do that out in fear. यहाँ पर एक फ्रेज दिया गया है आउट इन फियर, जो कि गलत है। यहाँ पर प्रपोजिशन में एरर है, इन के जगह पर ऑफ होना चाहिए था, आउट ऑफ फियर। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, I don't think I meet him before. Before का मतलब पहले, और before का सेंस देने के लिए हम लोग ऑलवेज सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं। I don't think I met him before होना चाहिए था, M-E-T, met. So option C is the correct answer. Next, the climate of Dehradun is better than Meerut. अगर दो सब्जेक्ट्स के बीच डायरेक्ट कंपैरिजन होता, जैसे कि देहरादून और मेरठ के बीच कंपेयर किया जाता, तो उस सेंस में दैन लगाना सुटेबल रहता। बट यहाँ पर कंपैरिजन किया जा रहा है क्लाइमेट के ऊपर, और जब किन्हीं दो सब्जेक्ट्स के क्वालिटीज़, कैरेक्टरिस्टिक्स, इनके बीच कंपैरिजन किया जाता है, तो दैन के बाद दैट ऑफ लगाना ज़रूरी होता है, क्योंकि यहाँ पर सेंस बन रहा है कि देहरादून का क्लाइमेट बेटर है मेरठ से। तो मेरठ से बेटर नहीं है, मेरठ के क्लाइमेट से बेटर है, और वही सेंस देने के लिए दैट ऑफ का यूज़ किया जाता है, देन दैट ऑफ मेरठ, मतलब कि मेरठ के क्लाइमेट से। सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, शी मिसप्लेस्ड हर स्पेक्टिकल्स एंड नाउ फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू रीड। उसने अपना स्पेक्टिकल्स खो दिया और अब उसे पढ़ने में परेशानी हो रही है। कंटिन्यूअस टेंस के स्ट्रक्चर के हिसाब से आईएनजी के पहले क्या लगाया जाता है, एम, इज, या फिर आर लगाया जाता है। सो यहाँ पर होना चाहिए था शी के अकॉर्डिंग इज एंड नाउ इज फाइंडिंग इट डिफिकल्ट। सो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, द मदर एज वेल एज हर चिल्ड्रन वर ब्रॉट टू द पुलिस स्टेशन फॉर इंट्रोगेशन। दो सब्जेक्ट्स एज वेल एज के साथ जुड़े हैं, जिसका स्ट्रक्चर हमें पता ही है। इसका वर्ब फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज़ होता है। फर्स्ट सब्जेक्ट यहाँ पर मदर है, इसीलिए वर के जगह पर वाज आना चाहिए था, हर चिल्ड्रन वाज बॉट। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, थॉमस इज़ अ मैन ऑफ वर्ड हु हैव बिन पेइंग बैक द बोरोड मनी इन इंस्टॉलमेंट्स। थॉमस सिंगुलर सब्जेक्ट, तो हैव यहाँ पर गलत है, हु हैज़ बिन पेइंग बैक होना चाहिए था। सो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, द मास्टर डिड नॉट नो हु ऑफ द सर्वेंट्स हैड ब्रोकन द ग्लास। इस टाइप के सेंटेंस स्ट्रक्चर में जब कोई क्वेश्चन टैग के बाद प्लूरल फॉर्म आता है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है हु ऑफ द सर्वेंट्स, मतलब सर्वेंट्स यहाँ पर प्लूरल है, तो इसके पहले हु नहीं विच का यूज़ किया जाता है, चाहे वो लिविंग थिंग हो या नॉन लिविंग थिंग हो। सो यहाँ पर होना चाहिए था विच ऑफ द सर्वेंट्स, इसीलिए इसका ऑप्शन बी होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, यू आर नॉट एक्सपेक्ट टू डू वर्क अलोन। ये सेंटेंस पैसिव फॉर्म में होना चाहिए, इसीलिए आर के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म होना चाहिए, यू आर नॉट एक्सपेक्टेड। सो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, नो सूनर डिड द रैबिट कम आउट ऑफ द बुश व्हेन द हंटर किल्ड इट।
नो सुनर प्लस देन एक फिक्स्ड कंजंक्शनल पेयर है, ये हम लोगों को पता ही है, इसलिए वैन यहाँ पर गलत है, देन द हंटर होना चाहिए था। सो आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट, दिस कॉफ़ी इज नॉट अवेलेबल इन एनी ऑफ द शॉप इन द नेबरहुड मार्केट। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं वन ऑफ, मोस्ट ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, और उसी टाइप का यहाँ पर दिया हुआ है एनी ऑफ। तो एनी ऑफ के बाद भी सब्जेक्ट प्लूरल यूज होता है, इसलिए शॉप की जगह पर शॉप्स होता, एनी ऑफ द शॉप्स इन द नेबरहुड मार्केट। सो आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट, ओ डियर, द ऑडियो इन वन ऑफ द चैनल ऑन टेलीविजन इज नॉट क्लियर एट ऑल। अगेन सेम कॉन्सेप्ट, वन ऑफ द के बाद चैनल्स आना चाहिए प्लूरल फॉर्म, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, डेविड एंड मी आर ब्रदर्स बट फ्रॉम डिफरेंट मदर्स। इस टाइप के सेंटेंस में अक्सर हम लोग गलती कर बैठते हैं, जैसे कि हम लोग यूजुअली भी बोलते हैं यू एंड मी आर फ्रेंड्स, ही एंड मी आर गोइंग टू द पार्टी, बट ये सब गलत होता है। मी एक ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है जिसका यूज़ एज एन ऑब्जेक्ट ही किया जाना चाहिए, बट यहाँ पर सब्जेक्ट है, सेंटेंस के पहले ही दिया हुआ है तो सब्जेक्ट्स मतलब कि जिसके बारे में बात किया जा रहा है, तो डेविड एंड मी के जगह पर आई होना चाहिए, क्योंकि मी का सब्जेक्टिव फॉर्म होता है आई, डेविड एंड आई आर ब्रदर्स। सो आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट, अ सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस हैव द अथॉरिटी टू सस्पेंड एंड इंस्पेक्ट। अगर यहाँ पर सिर्फ पुलिस होता तो इसके बाद हैव का यूज सुटेबल रहता, क्योंकि पुलिस ऑलवेज प्लूरल नाउन ही होता है, बट यहाँ पर क्या है, अ सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस मतलब कि एक सुपरिंटेंडेंट, और इसीलिए हैव के जगह पर क्या होता, हैव के जगह पर हैज़ होता। सो आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट, माई फ्रेंड यूजुअली वेक्स अप लेट ऑन संडे मॉर्निंग्स। इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, इफ आई हैड गॉन टू द लाइब्रेरी आई कैन हैव बोरोड अ बुक। कंडीशनल सेंटेंस हम लोग पढ़े ही हैं, हैड प्लस वी थ्री के बाद जो नेक्स्ट सेंटेंस आता है उसमें ऑलवेज वुड हैव प्लस वी थ्री का यूज होता है, इसलिए आई कैन हैव गलत है, आई वुड हैव बोरोड अ बुक होना चाहिए। सो आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट, इट इज़ डिफिकल्ट टू मेक आउट दैट दे आर ट्विंस बिकॉज दे डू नॉट रिजेंबल टू ईच अदर। रिजेंबल का मतलब होता है समान दिखना, सदृश दिखना, जिसके बाद कोई प्रपोजिशन यूज नहीं होता है, सिंपली होता रिजेंबल ईच अदर, दे डू नॉट रिजेंबल ईच अदर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ड्यू टू अ लास्ट मिनट स्नैग द मिशन ऑन अ मून हैड टू बी कैंसल्ड। मून एक प्रॉपर नाउन है, इसलिए ए यहां पर गलत है, ऑन द मून होना चाहिए था, द मिशन ऑन द मून, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द प्रीस्ट रिक्वेस्ट ऑल द वेल्दी मैन टू डोनेट मनी फॉर बिल्डिंग अ न्यू टेम्पल। ये सेंटेंस पास्ट फॉर्म में होना चाहिए था, प्रीस्ट ने रिक्वेस्ट किया, सो यहां पर रिक्वेस्टेड आना चाहिए था, वर्ब टू, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, रीता वॉज अ मॉडल सो शी वुड स्टार्व हरसेल्फ टू मेंटेन देयर बॉडी वेट। यहां पर बात हो रही है रीता के बारे में, जो कि यहां पर सिंगुलर है,
इसीलिए सेंटेंस के लास्ट पार्ट में जो देयर दिया गया है वो गलत है। देयर के जगह पर आना चाहिए था हर, टू मेंटेन हर बॉडी वेट। सो आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट, ईच ऑफ दिस प्लेयर्स हैव बीन वॉर्न्ड नॉट टू रिपीट द सिली मिस्टेक्स। इससे पहले हम लोग पढ़े कि ईच ऑफ, वन ऑफ, आइदर ऑफ, इन सब के बाद जो सब्जेक्ट आता है वो प्लूरल आता है, बट उसके बाद जो वर्ब आता है वो सिंगुलर आता है, और ये भी हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं। सो हैव बिन की जगह पर हैज़ बिन आना चाहिए था। ईच ऑफ द प्लेयर्स हैज़ बिन वॉर्न्ड। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द सिंपलेस्ट वे टू गेट प्रॉपर रिकॉग्निशन आर थ्रू डूइंग थिंग्स विद डेडिकेशन एंड सिंसियरिटी। सिंपलेस्ट वे मतलब कि सबसे आसान तरीका, तो ये सिंगुलर नाउन हो गया, इसीलिए आर गलत है, इज थ्रू डूइंग थिंग्स होना चाहिए था। सो आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट, वी हैव बीन स्टेइंग एट द होटल सिंस द लास्ट 10 डेज। टेन डेज पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम के पहले लगाया जाता है फॉर, फॉर द लास्ट 10 डेज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, अ सोयाबीन प्रोसेसिंग यूनिट इज गोइंग टू सेट अप सून इन आवर विलेज। सोयाबीन प्रोसेसिंग यूनिट ये खुद तो सेटअप नहीं हो सकता है, इसको सेटअप किया जाएगा, यानी कि ये पैसिव वॉइस है। सो इसके लिए इज गोइंग टू बी सेटअप आना चाहिए था, बी यहाँ पर मिसिंग है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, सुष्मिताज यंगेस्ट सिस्टर इज नॉट ओनली ब्यूटिफुल बट इवन इंटेलिजेंट ऑल्सो। नॉट ओनली के साथ किसका पेयर बनता है, बट ऑल्सो का, और यहाँ पर ऑल्सो के साथ इवन का यूज़ एक साथ नहीं कर सकते हैं क्योंकि दोनों का मीनिंग लगभग सेम ही होता है, इसलिए इवन यहाँ से रिमूव हो जाएगा और उसके जगह पर होगा ऑल्सो, बट ऑल्सो इंटेलिजेंट। सो आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट, आफ्टर अ हीटेड आर्ग्यूमेंट दे वेंट टू देयर रेस्पेक्टिव प्लेस। रेस्पेक्टिव का मतलब होता है अपने अपने, और इसको यहाँ पर स्पेसिफाई करने के लिए ही दिया गया है कि सब अपने अपने जगह पर वापस चले गए, सब लोग एक साथ एक जगह पर नहीं गए हैं, इसीलिए प्लेस के जगह पर प्लेसेस होता। सो आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट, द मैन विद अ लॉस्ट आई हैव बीन अक्यूज्ड फॉर मर्डर्स ऑफ टू गर्ल्स इन हिज नेबरहुड। द मैन विद अ लॉस्ट आई, इसके साथ क्या होता, हैज़ ना कि हैव। सो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, राम कैन नॉट विदड्रॉ ऑल हिज मनी अनलेस ही डजेंट गिव अ प्रायर नोटिस। अनलेस खुद एक नेगेटिव वर्ड है, इसके बाद डज के साथ नॉट नहीं आ सकता है, सो यहां पर होना चाहिए था अनलेस ही गिव्स, अनलेस ही गिव्स अ प्रायर नोटिस। आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट, शी वॉन्टेड टू बेक अ केक फॉर बोथ हर ब्रदर्स। दिस सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट, सो द आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट, प्लैटिनम इज कॉस्टलियर देन एनी अदर मेटल्स फाउंड ऑन अर्थ। कॉस्टलियर यानी कि कंपेरेटिव डिग्री जो दो सब्जेक्ट्स के बीच किया जाता है, तो मेटल्स यहाँ पर गलत है, मेटल होना चाहिए एनी अदर मेटल। आंसर इज ऑप्शन डी। और मेटल्स का यूज़ तब करते जब सारे मेटल्स में से इसको बेस्ट दिखाया जाता, यानी कि जब सुपरलेटिव डिग्री आता। नेक्स्ट,
ही सैट इन हिज स्टूल एंड शट हिज आइज टू रिकलेक्ट व्हाट वर्क ही हैड फॉर द डे। स्टूल के अंदर थोड़ी बैठते हैं हम लोग, स्टूल के ऊपर बैठते हैं। सो इन गलत है, इन का मतलब होता है अंदर, तो यहाँ पर होता ही सैट ऑन हिज टूल। सो द आंसर इज ऑप्शन सी। सो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो। इस वीडियो का PDF फाइल आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ ही आगे की वीडियोज़ में इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, बाय बाय, टेक केयर।